हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे मुझसे कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, जितना भी वीडियो है साइंस का अलग, मैथ का अलग, जीके का अलग, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं मेरा। वहाँ पे अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, यानी कि मैथ का अलग, साइंस का अलग, जीके का अलग अलग। तो देखिए, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आना है, उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा हूँ यहाँ पे आपका सारा आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 45 क्वेश्चंस है जिसमें कि साइंस का है। अगर आप लोग इतना क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको एमआर में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जीके का आपका ये प्लेलिस्ट है जिसमें कि 50 क्वेश्चंस है, और साइंस में आपका 45 है, और यहाँ पे देखिए आपका जो कि मैथ का है प्लेलिस्ट, यानी कि 17 यहाँ पे चैप्टर मैंने करवा रखा हूँ। अगर आप लोग प्लेलिस्ट के द्वारा करते हैं तो वो भी फायदा रहेगा, अगर ऐसे भी देखते हैं तो वो भी, मतलब कि सेम फायदा है। लेकिन अब प्लेलिस्ट बन गया तो इसमें क्या फायदा है कि मान लीजिए कि आज जो भी हम क्वेश्चन कराए इसमें प्लेलिस्ट में डाल दिया, आज जाके आप ना आराम से देख लेंगे, ठीक है। तो यही आप लोग का कहना था, ये आपका पूरा हो गया, तो जाइए आप प्लेलिस्ट में अपना आराम से प्रिपरेशन कीजिए, और आपका आज हो गया 21 तारीख, और 23 से आपका एग्जाम है। लेकिन यहाँ पे तो कल तो बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे एग्जाम देने के लिए, जिनका दिल्ली है, मुंबई है, जो भी है जहाँ पे है वो तो निकल जाएंगे कल बहुत सारे लोग, जिनका 23 तारीख है। तो जिनका भी 25 है, 24 है, थोड़ा सा आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। जितना भी मैंने मैथ का आपको क्वेश्चन करवा दिया हूँ उतना अगर कर लेते हैं ना, तो मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।